नो जहरीले कोबरा सांप, जहर और विदेशी लड़कियों के साथ पार्टी, बूढ़े फंसे अल्पेश यादव, एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 49 कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने सेक्टर 51 के सैफरन वेडिंग विला में हो रही रेव पार्टी के लिए सांप के जहर की तस्करी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी मौजूद थी। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सेलिब्रिटी और बिग बॉस के विनर एल्विश यादव का नाम सामने आया है। बताया गया है कि नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और साथ ही आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। छह तस्करों की हुई गिरफ्तारी, नो जहरीले सांप बरामद। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छह तस्करों की गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से पांच कोबरा, दो दो मुंह वाले सांप, एक लाल सांप और एक अजगर को पकड़ा है। आरोपियों के पास से एक प्लास्टिक की बोतल में 25 ml सांप का जहर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त तस्करों के पास से बरामद हुए एक बैग में अलग अलग पिंडियों में कुल 9 सांप बरामद हुए। पुलिस हिरासत में लिए गए तस्करों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियमों की धाराओं में कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सांप के जहर का प्रयोग रेव पार्टियों में नशे के लिए उपयोग किया जाता है। तस्करों से चल रही पूछताछ और जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तस्करों की गिरफ्तारी के दौरान मौके से एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया जिसे सांप का जहर दिया गया था। वहीं सेक्टर 49 कोतवाली पुलिस की ओर से गिरफ्त में आए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह के अन्य लोगों के सक्रिय होने की बात भी सामने आ रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस की ओर से की गई जांच में सामने आया कि गिरफ्त में आए एक सक्रिय सांप तस्कर मेट्रो सिटी में होने वाली रेव पार्टियों में जहरीले सांपों का जहर सप्लाई करके लाखों की कमाई करते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तार हुए तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे प्रतिबंधित प्रजाति के अजगरों को आसपास के जंगलों से नहीं बल्कि नेशनल पार्क से पकड़कर लाते थे और फिर भारी रकम में उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद खुलासा करते हुए बताया कि 10 ग्राम जहर की शीशी की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की होती है। सांप के जहर की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करोड़ों रुपयों में है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के बारे में जानकारी मिली है, ये सांपों के जहर के साथ साथ सांपों की भी तस्करी करते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सांप बेचने से भी बड़ा धंधा जहर को रेव पार्टियों तक पहुंचाने का है। इतना ही नहीं, जहर की तस्करी के तार गाजियाबाद मथुरा के तस्करों से जुड़े हैं। जांच में पता चला है कि ये तस्कर गाजियाबाद के एक व्यक्ति को सांपों के जहर की सप्लाई करते थे। अब पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है। वही एल्विश यादव ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा है, देखिए। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहे सिटी वेब के साथ।